महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे ने मंगल को अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही उनके पूरी काबिना ने भी इस्तीफा दे दिया है। महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधा कृष्णन ने उन्हें अगली हुकूमत की तश्कील तक अपने ओहदे पर बरकरार रहने को कहा है। महाराष्ट्र के वजीर आला के इस्तीफे के साथ ही नए वजीर आला के हवाले से जारी बहस भी ख़त्म हो गई है। अब ख्याल किया जा रहा है कि मंगल को बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी के मौजूदा मीटिंग के बाद नए वजीर आला के नाम का आज ऐलान किया जाएगा। इससे पहले सीएम एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और दीगर लीडरों के साथ राजभवन पहुंचे और गवर्नर सीपी राधा कृष्णन को अपना इस्तीफा पेश किया। अब यह यकीनी समझा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस नए वजीर आला होंगे। शिवसेना धड़े के सरबरा एकनाथ शिंदे ने मंगल को बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी के इजलास से आइन कबल अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि मंगल को बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर का इंतखाब किया जाएगा। इसके लिए मुनक्किद की गई मीटिंग में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह भी शिरकत करेंगे। मुलाकात के बाद शाह वजीर आला के नाम का ऐलान करेंगे। दरहकीकत महाराष्ट्र असम्बली इंतखाबात 2024 में महायुति ने 288 में से 235 सीटें जीती है और MVA ने 47 सीटें जीती है। कुछ छोटी पार्टियां जैसे आज़ाद और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ 6 सीटें जीत सकी। बीजेपी ने अकेले 132 सीटें जीती है। ये महाराष्ट्र में बीजेपी की सबसे बड़ी जीत बताई जा रही है। शिवसेना शिंदे ने 57 और NCP अजीत पवार ने 41 सीटें जीती है। शिवसेना MBA में उद्धव ठाकरे के लिए सिर्फ 20 सीटें जीत सकी। इसके अलावा कांग्रेस की 16 सीटें और शरद पवार की NCP की 10 सीटें रह गई हैं। एक मिनट सर।